शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर उन्हीं के ड्राइवर की पत्नी ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने शहादतगंज थाने में तहरीर देते हुए रिजवी पर अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए धमकाने का भी आरोप लगाया। वहीं महिला के पति का कहना है कि जब उसने इस बारे में वसीम रिजवी से बात की तो उन्होंने उसे पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके साथ ही जिस मकान में वे रहते हैं वो भी खाली करा लिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि वसीम रिजवी उसके ड्राइवर पति को ड्यूटी पर बाहर भेज देते थे, पति की गैर हाजिरी में उसके साथ रेप करते थे। इस दौरान रिजवी ने कुछ अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए थे। इनके आधार पर वह उसे धमकी देते थे। जब कभी महिला विरोध करती थी उसे धमकी देकर चुप करा दिया करते थे। अंत में परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर वसीम रिजवी ने रेप के आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियादी बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वह मेरे यहाँ पर नौकरी करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले कुरान को लेकर हुए विवाद के बाद वह मेरे दुश्मनों से मिल गया। वह मेरे हर मूवमेंट की जानकारी मेरे विरोधियों को दे रहा था, इससे मेरी जान को खतरा बढ़ गया था। यह सब जानने के बाद मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह मुझ पर आरोप लगा रहा है। रिजवी ने कहा कि ड्राइवर द्वारा लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच होनी चाहिए। इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी जरूरी है। क्या मामला है बताइए। वसीम रिजवी ने हमारे साथ घर पे आके बदतमीजी की, मेरे आदमी को नंगा करके बहुत ज़्यादा मारा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और बहुत ज़्यादा मारा। उनके आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माने। बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उन्होंने। कहाँ की रहने वाली हैं आप और कब से ये मामला चल रहा था? ये 5 महीने पहले से। क्या किया आपके साथ? बदतमीजी की बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ। तो 5 महीने हो गए और आज 5 महीने बाद आप आई हैं, कैसे, क्यों, 5 महीने तक क्यों नहीं किया? अरे वो धीरे धीरे हो रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने अपने पति को बताया। उन्होंने हमको बताया, जब मैंने पूछा जाके तो इनको बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा। वसीम रिजवी ने क्या किया आपके साथ, ऐसी क्या बात कर दी है जिससे आप यहाँ आए? बताओ खुल के। उन्हीं ने मेरे साथ रेप किया। किस तरीके का दबाव बनाते थे आपके ऊपर? आप लोग रोइए ना, अपनी बात बताइए, मीडिया से अपनी बात बताइए, अपनी बात कहिए, रोइए नहीं। मारने की हमें धमकी दी है, कहीं महल्ले में दिखाई ना देना, आप लोग आज हैं कल नहीं होंगे, देख लीजिएगा। आज हैं कल नहीं होंगे आप लोग हमारे साथ। उड़ा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है पीड़ित। आपने धमकी दी हमको, साफ साहब के महल्ले में दिखाई ना देना, हमको नंगा करके फोटो खींचा, मारा हमको बेदर्दी से। तानाशाही करता है वो इंसान। हमारी बीवी साथ उसने रेप किया, जब हम पूछने गए तो हमको मारा उसने बेदर्दी से। वो पिक्चरें बनाता है, नई नई औरतों साथ यही सब करता रहता है, कोई नहीं बोलता है, क्यों, वो पैसा लोगों को देता रहता है, उसका काम ही यही सब है। आपको ये घटना के बारे में कब बताया गया? हमको 11 तारीख के दिन जब बीवी ने हमें बताया, जब हमने जाकर उनसे पूछा शाम को कि आपने ये सब क्या क्या करके आए, कहने लगे औकात में रहो ना तुम्हें भी मार डालेंगे। कहने लगा भी मार डालोगे, बताओ पूरी बात। तो अब हमको उसको बेदर्दी से मारा कमरा बंद करके। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, उन्हीं ने भी पापा को क्यों मार रहे हैं, मगर वो मारता रहा बेदर्दी से। इस मुकदमे दर्ज है वसीम रिजवी, देखिए आप, पूरी लिस्ट मेरे पास है, इस बेचारे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। योगी सरकार में ये सब होगा क्या करा जाए इसके लिए? न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं जनाब, न्याय चाहते हैं। हमको रात ही रात घर खाली करा लिया। जी हाँ, मैं तहरीर दी है थाना महोदय जी को। अब जो कुछ करेंगे वो तो करेंगे भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं। मोहम्मद फुरखान खान, एडवोकेट, लखनऊ सिविल कोर्ट। क्या मामला है, किस लिए आज आप थाना सादतगंज आए? हम लोग आज एक पीड़िता को के साथ आए हैं और इस आशा के साथ कि उसको न्याय मिलेगा। जो वसीम रिजवी पूर्व उपाध्यक्ष हैं सिया सेंट्रल बोर्ड के, उनके साथ ही ये रहती थी, उनका ड्राइवर है, उसकी पत्नी है ये। उन्हीं ने बहाने से ड्राइवर को मुख्तलिफ शहरों में लखनऊ से बाहर भेज देते थे आए दिन, और पिछले 6 महीने से लगातार इस पीड़िता के साथ वो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। आज उसने हिम्मत करके अपने परिवार वालों से जब ये बात बताई, गुमसुम रहती थी, परेशान रहती थी, जब परिवार वालों ने पूछा तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपने परिवार वालों को बताया। वो हिम्मत करके आज यहाँ पर आए हैं सादतगंज कोतवाली में और अपनी शिकायत लिखित रूप से और मौखिक रूप से
श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय जी को दी है। हम लोग पिछले 2 घंटे से अनुनय विनय कर रहे हैं। हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसको दर्ज कर लिया जाए और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जो भी प्रभावी कार्रवाई होती है वो उसके वसीम रिजवी बलात्कारी के खिलाफ, और पता नहीं क्यों उसकी क्यों मांग कर रहे हैं, और इसको पीड़िता मौजूद है, उसको किसी तरह की सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, ना ही कोई विश्वास दिलाया जा रहा है। बार बार वो बेहोश हो रही है डर के कारण, समाज के कारण। एक बहुत जब बलात्कार किसी का होता है तो वो मरने वाले से बदतर हो जाता है, क्योंकि जो मर जाता है वो तो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन मुकदमा दर्ज है वसीम रिजवी पे, इसमें भी कुछ कार्रवाई इसके ऊपर नहीं। क्या वजह है कि 34 मुकदमे के बाद भी बलात्कार करने वाले को संरक्षण दिया जा रहा है और पीड़िता के साथ न्याय नहीं हो रहा है? हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि महिलाओं का सम्मान आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? इसी सवाल के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमसे टाइम इस तरह मांगा जा रहा है जैसे लग रहा है कि बलात्कार हम अधिवक्ताओं के साथ हुआ है। हमें कोई अधिकारी नहीं है किसी को टाइम देने का, वो पीड़िता है। अभी हमारी मांग है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, जो कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में अपराधी के साथ किया जाता है। कानून की दृष्टि में जो भी प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए वो क्यों नहीं की जा रही है? थाने से वही टाल मटोल की बात, टरकाने वाली बात, सोचेंगे और जांच कराएंगे। जांच कराने का इसमें जब वो बयान दे रही है, खड़ी है, तो उसमें जांच किस तरह की होगी? मैंने तो अभी ऐसा कोई कानून नहीं पढ़ा जिसमें जांच का प्रावधान हो। पहले अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है आगे क्या कदम होगा? भाई हम पीड़िता के साथ हैं, जो उसका अगला कदम होगा हम सब उसके साथ हैं, क्योंकि हम इस सभ्य समाज का एक अंग है और हमारा दायित्व ये बनता है, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र का, प्रदेश का, जिले का, जनपद का दायित्व बनता है, महिलाओं का ये दायित्व बनता है कि आए और उसका साथ दें। क्योंकि अगर उसको यूं ही छोड़ दिया गया वसीम रिजवी जैसे शैतान को, तो कल वो, आज उसने बंद कमरे में किया है, कल वो राह चलते करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है।